हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। डाटा बार्स बनाने के लिए अगर आप डाटा बार्स आपने पहले नहीं बनाया है या आपको दिक्कत होती है या फिर एक्सेल में आप बिगिनर्स हैं तो आप क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के नाम है और यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है। इन्होंने जो परसेंटेज गेन किया है उसके हिसाब से यहाँ पे डाटा बार्स आपको बनाने हैं। तो आप करते क्या है, जनरली यहाँ पर आपको इंसर्ट दिखता है तो इंसर्ट पे चले जाते हैं और इंसर्ट से जाकर के फिर यहाँ शेप ले लेते हैं और शेप ले करके यहाँ से डाटा बार्स बनाना शुरू करते हैं। तो 34% के हिसाब से आपने कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, फिर इसी को पेस्ट करते हैं। तो जब पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर रख करके और फिर इसको यहाँ से बड़ा करने लगते हैं, यानी इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज करने लगते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 55%, ठीक है। फिर यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं, पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पर भी इंक्रीज करते हैं। तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और ये तरीका सही भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या तरीका सही है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए इसको तो हम हटाते हैं फिलहाल, ये जो भी हमने डाटा बार वगैरह बनाया है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप लगाइएगा सीधा सीधा रेप्ट का फॉर्मूला। रिपीट करने के लिए रेप्ट का फॉर्मूला यूज होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये रेप्ट लगा लीजिएगा और जैसे ही रेप्ट लगाते हैं तो रेप्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, डबल डॉट कॉमा ओपन करना है और ये आपको लगाना है। इस तरह का एक बटन मिल जाता है आपको और ये बैक स्पेस के ठीक नीचे आपको मिलता है। फिर आपको क्या करना है, डबल डॉट कॉमा को क्लोज करना है और क्लोज करके यहाँ पर कॉमा लगाना है और इसको सेलेक्ट करना है, यानी परसेंटेज वाले को, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। ये इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या आया हुआ है, और अगर आप इसे नीचे ड्रैग करवा देते हैं तो भी ये इसी तरीके से रहता है। हालांकि ये कम अधिक मात्रा में यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है इसको, ये जब आ जाता है तो आपको यहाँ पर एक फॉन्ट देखना है कि आपके में है या नहीं। तो उस फॉन्ट का नाम है पेबल, ठीक है। क्या नाम है, पेबल। तो यहाँ पे सर्च करना है आपको, एंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे ही पेबल सर्च करते हैं तो एंटर करते हैं तो यहाँ पर पेबल आपका फॉन्ट आ जाता है। और जैसे ही आएगा तो ये थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा और ये जो है बेहतर वे में आ गया है। और अब अगर आप यहां से चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 89 जो था इसको हमने 12 कर दिया, 12%। तो यहाँ पे 1200 हो गया, तो इसको हटाते हैं, ये हो गया। यहाँ से इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। तो जैसे जैसे इसमें चेंजेस करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर चीजें चेंज होती चलेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 77 है, तो अगर हम इसको 7 कर देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बार्स इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।